बुलंदशहर में हाई टेंशन लाइन टूटने से 8 वर्षीय मासूम झुलसा। प्राथमिक स्कूल के ऊपर से जा रही है हाई टेंशन लाइन। बुलंदशहर में हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिरा। टूटे तार की चपेट में आने से 8 वर्षीय बालक झुलसा। सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव आढ़ा में प्राथमिक स्कूल के मेन गेट से सटकर जा रही हाई टेंशन लाइन का तार टूटा। तार की चपेट में आकर प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाला सेकेंड क्लास का छात्र प्रशांत झुलसा। घायल छात्र को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए सिकंदराबाद स्थित नवीन हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। ग्राम प्रधान का आरोप, 4 महीने पहले से प्राथमिक स्कूल के बाहर लगे ट्रांसफार्मर और लाइन शिफ्ट करने के लिए दी हुई थी एप्लीकेशन। शासन और प्रशासन स्तर पर प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों के लिए सुरक्षा कारणों के चलते ट्रांसफार्मर ऑनलाइन हटाने के लिए दिया गया था प्रार्थना पत्र। 4 महीने बीत जाने के बाद भी ना तो बिजली विभाग के अधिकारियों के कान पर जूं रेंगी और ना ही प्रशासन स्तर पर किसी तरह की कोशिश की गई। ग्राम प्रधान के द्वारा ऊर्जा मंत्री को भी स्कूल के ऊपर से हाई टेंशन लाइन हटाने के लिए लिखा जा चुका है। आप लोग थाने में आए हैं, किस लिए आए हैं? FIR करने आए हैं। किस बात की? बिजली डिपार्टमेंट के लिए कोई कार्रवाई नहीं करते, वहाँ से ट्रांसफार्मर के 10 कंप्लेंट दे चुके हैं हम उसके हटाने के लिए। अच्छा। कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। कई बार का भी 10 दिन पहले मोर पकड़ा था और एक तार 10 दिन पहले और टूटा था। अभी स्कूल में ही जो स्कूल की बिल्डिंग है उसके ऊपर तार जा रहे हैं ग्राउंड के ऊपर कर, कोई सुनवाई नहीं है। तार 10 जोड़ लग रहे हैं वहाँ, खूब कह चुके हैं, कोई सुनता ही नहीं है। आज क्या बात हुई? आज तो एक बच्चा स्कूल जा रहा था जी, 11,000 का जो ट्रांसफार्मर से तार छुट गया और बच्चे के ऊपर गिर पड़ा, जिससे कि बच्चे की कंडीशन ख़राब है, ICU में भर्ती है जी, नवीन हॉस्पिटल में। यहाँ किस लिए आए फिर? यहाँ तो उसके खून के खिलाफ FIR करना है प्रधान जी। किसके खिलाफ जी? बिजली विभाग के। अब से पहले भी कोई शिकायत की गई थी? हाँ जी, ऊर्जा मंत्री तक शिकायत पहुँच चुकी है जी, कोई कार्रवाई नहीं है। कितनी उम्र है बच्चे की? बच्चे की करीब 8 वर्ष है उम्र, कक्षा 2 में पढ़ता है। बच्चा एडमिट है कहीं पर? जी बच्चा एडमिट है उसमें। इस समय उसमें नवीन हॉस्पिटल में एडमिट है, ICU में। यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ कार्रवाई के लिए आए हैं। किसके खिलाफ? जय बिजली विभाग के खिलाफ। जय पवन कुमार।